जगाधरी विधानसभा के गांव जाटोवाला में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री कौलपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। खबर देखिए। में जगाधरी विधानसभा के गांव जाटोवाला में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में हजारों की भीड़ देखकर गदगद हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी में भारी उत्साह था, जो जगह थी वो भी कम पड़ गई। लोग इस बात से बेहद खुश हैं, मौजूदा सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, सबको सबका हक मिल रहा है, इससे जनता में बेहद खुशी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कह रहे कुछ लोग बहकाने और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव की ईमानदारी के साथ काम कर रही है और कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोगों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बता रही है। सभी वर्ग बीजेपी के साथ हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, इसमें बीजेपी को बहुत मजबूती मिलेगी। बीजेपी किसी भी वर्ग की विरोधी नहीं है। कुछ लोग और कुछ दल जनता को बहकाने के लिए इस तरह का झूठ बोलते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। देखिए, लोगों में बड़ा भारी का उत्साह था और आपने देख लिया कि जितनी भारी जगह थी वो बहुत ही कम पड़ गई, और मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे थे उतने ही लोग बाहर पीछे खड़े भी थे, तो बड़ा उत्साह था लोगों में और लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ, चाहे वो नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट करने की बात थी, और चाहे लोगों को जो गरीब लोगों को जो कार्ड बना के दिया, जब बीपीएल कार्ड बना के दिया, उसमें भी चाहे गैस देने की बात थी, शौचालय बनाने की बात थी, और चाहे आयुष्मान की कार्ड की बात थी, तो उससे लोग बेहद खुश हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ लेके चलना, कोई भी पीछे रह जाएगा देश कैसे आगे चले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पूरे देश के सभी जिलों का वो करवाया सर्वे, और उनमें जो जिले पीछे थे उनमें से हमारा मेवात था, तो स्पेशल से मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है आगे मेवात सबके बराबर आना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में भीड़ देखकर बीजेपी बेहद संतुष्ट दिखी। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि जनता आखिर किसके साथ है। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।